धनुराशि वाले जातक, परमात्मा का नया खेल शुरू होने वाला है। 5 सितंबर से 11 सितंबर ये सप्ताह विधि का विधान भी बदलेगा। पैसा या परिवार, किसी एक को चुनना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। धनुराशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लेकर आएगा 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का यह सप्ताह। कौन कौन सी अच्छी, कौन कौन सी बुरी घटनाएं लेकर आ रहा है, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यह सप्ताह धनराशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लेकर आ रहा है। दोस्तों, इस सप्ताह जातकों को शुरुआत में हैं जो हैं कार्य क्षेत्र में, उन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उनसे थोड़ा सावधान रहिए, उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। किसी भी वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में धन संबंधित लेने देने में खूब सतर्कता बरतनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक हानि होने की संभावनाएँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी पर भी आँख मूंद कर विश्वास करने से बचें और दूसरों के भरोसे पर अपना काम भी इस सप्ताह छोड़ने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही हाथ लगेगा। सप्ताह के मध्य में कुल में जो है घरेलू चिंताएं सता सकती हैं। आपके कुल में कोई बीमार पड़ सकता है, किसी का स्वास्थ्य जो है परेशान कर सकता है आपको, उसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। इस सप्ताह आपको अपने सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत संबंधित लापरवाही आपको अस्पताल का चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर सकती है। भाई या बहन की किसी बात को लेकर हुई अनबन के चलते मन परेशान रह सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ेगी। यात्रा थकान भरी रह सकती है। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ तालमेल आपको बनाकर चलना चाहिए। इस सप्ताह उनका और आपके बीच में अच्छी तालमेल बनाकर रखे कोशिश करें कि कोई भी वाद विवाद ना ही हो तो बेहतर है। इस सप्ताह जातकों को अपने जीवन से जुड़े किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना होगा। घर हो या कि फिर किसी ऑफिस, लोगों के जो है सहयोग के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए लोगों की मदद लेना अच्छी बात है, पर किसी से उतनी ही मदद लीजिए जितनी की आवश्यकता हो, वो आपको कमज़ोर ना समझने लगे, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। ऐसे में यदि लोगों की छोटी मोटी बात को इग्नोर करते हुए आपको अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ताना भी मारता है, कोई ताना सुनाता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, उसकी बातों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करिए। यदि आप अपने रोजी रोजगार में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए इस दिशा में सोच समझ कर कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अपने इष्ट मित्रों या फिर किसी विशेषज्ञ की राय लेना बेहतर रहेगा। इस दौरान किसी भी निर्णय को जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लेने से बचें। आपके प्रेम संबंध में दखलंदाजी लोगों की भारी पड़ सकती है। ऐसे में किसी प्रकार की गलतफहमी को विवाद के बजाय संवाद के जरिए दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन जो है आपका सुखमय बना रहेगा। मुश्किल भरे समय में आपको जीवन साथी के साथ आपका संबल बनेगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, वाहन जो है थोड़ा सा सावधानी से चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चोट चपेट लगने की आशंकाएं बनती हुई दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय विशेषकर सावधानी बरतें। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा चोट चपेट के लगने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, दुर्घटना के आसार दिखाई दे रहे हैं। जातकों को इस सप्ताह काफ़ी भाग दौड़ भरा रहेगा कुछ लोगों के लिए, यानी कि भाग दौड़ भरा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर या कारोबार के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। यात्रा थकान भरी रहेगी लेकिन लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान
किसी प्रभावी व्यक्ति से जान पहचान होगी जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलने वाला है। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपको इसके लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति या फिर मित्र का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा, पूरा सहयोग आपको वो करेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन जो है, जो जातक विवाहित हैं उनको लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव के बावजूद भी, थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार के बावजूद भी वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जातकों को दूसरों के सहारे रहने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। इस सप्ताह आपको आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आप मनचाही सफलता पाने से चूक सकते हैं। सप्ताह के मध्य में छात्रों का मन पढ़ाई से उजड़ सकता है। इस दौरान आजीविका के साधन में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में आपको अपने प्रतियोगिता मिलेगी। कारोबार में कुल मिला के देखे तो प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जो आपको वो यात्रा थका दे सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपसी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना, अन्यथा अगर नहीं रखते हैं तो लव पार्टनर से अनबन हो जाएगा, लव पार्टनर से लड़ाई हो सकती है। माँ दुर्गा की पूजा जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह बजरंगबली के मंदिर में एक बार बजरंगबली के दर्शन करने अवश्य चले जाइएगा, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे। बजरंगबली की कृपा से आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। खुशियों से भरा रहेगा यह सप्ताह। कुछ जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो नए मित्र भी बनेंगे। इस दौरान जो है घर में खुशियों का माहौल भी रहेगा। यह समय मार्केटिंग, प्रॉपर्टी और कमीशन पर काम करने वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह के मध्य में जो है इष्ट मित्रों का सहयोग से कोई बड़ा कार्य पूरा कर सकते हैं। सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे थे तो यह सप्ताह आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके सपने पूरा करेगा। इससे आपको मनचाहा लाभ भी होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होंगे। यदि आपके प्रेम संबंध में कोई अड़चन आ रही थी तो किसी महिला मित्र की मदद से वह दूर होगी और लव पार्टनर के साथ प्रेम और असमंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान पक्ष से संबंधित कोई बढ़िया खबर भी सुनने को मिलेगा। संतान की ओर से कोई शुभ संकेत, कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा। इस सप्ताह जो है आपको करियर कारोबार में आगे बढ़ने के लिए मनचाहा प्रस्ताव भी मिल सकता है। सप्ताह के शुरुआत में आपको सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से आपके भीतर गजब का पराक्रम एवं उत्साह देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के आय के अतिरिक्त स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कारोबार के विस्तार की योजना भी बनेगी। कारोबार के सिलसिले से लंबी या फिर छोटी दूर की यात्राएं भी आप करेंगे। यात्रा सुखद लाभदायक रहेगी। बार बार बोला जा रहा है कि यात्रा आप करेंगे, यात्रा करेंगे, परंतु यात्रा के बीच में भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अपने सामान की सावधानी रखिए, चोरी होने की संभावनाएं बन रही हैं उसको लेके थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा सावधान रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी मित्र की मदद से किसी बड़ी योजना पर काम करने का अवसर भी आपको प्राप्त होता हुआ इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। मनचाही जगह पर ट्रांसफर या फिर प्रमोशन होने से घर में खुशियों का माहौल भी रहेगा। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर बड़ा धन राशि खर्च कर सकते हैं। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है। मध्य का जो समय होगा मन धार्मिक सामाजिक कामों में लगेगा और आप जो है ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान कारोबार में आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आप
पहले से चली आ रही आर्थिक समस्याओं को दूर कर पाने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। प्रतिदिन उपाय जरूर करिएगा। स्फटिक से बने शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करिएगा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुञ्चेयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करिएगा, भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे दुख जो हैं दूर होंगे। तो दोस्तों यही था, यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि पता चल सके कि मुझे आपने वीडियो अंत तक देखा है। जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।